नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चंपावत उपचुनाव को लेकर दिया बयान, कहा 30,000 मतों से भी ज्यादा से जीतेंगे मुख्यमंत्री। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर गर्जे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, तैयारियों पर खड़े किए सवाल। विकासनगर की शक्ति नहर से एक छात्रा की लाश मिलने के बाद मचा हड़कंप, परिजनों और ग्रामीणों ने एक युवक पर लगाया हत्या का आरोप। विकासरेण में बीडीसी बैठक स्थगित होने पर ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों में भारी आक्रोश, ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। भाजपुर विधायक और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश सरकार द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर की गई तैयारियों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष कोरोना वायरस के चलते चारधाम यात्रा प्रभावित हो गई थी, ऐसे में इस वर्ष भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने व्यवस्थाओं को लेकर कोई सख्त कदम नहीं उठाया, जिससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार चारधाम यात्रा के लिए आने वाले लोगों को व्यवस्थाओं से वंचित रखना चाहती है। अब देखिए, चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और माननीय मंत्रीगणों के जो बयान हैं विरोधाभासी हैं, इससे संदेह पैदा होता है कि चारधाम व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और जो व्यवस्थाएँ होनी चाहिए, क्योंकि कोविड के दौरान पिछले वर्ष चारधाम यात्रा प्रभावित हुई थी और इस बार लाखों की तादाद में हमारे जो श्रद्धालु हैं, जो हमारे पर्यटक हैं, चारधाम यात्रा ही नहीं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर उनकी आवाजाही होगी। तो मेरा मानना है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, जो व्यवस्थाएं चाक चौबंद होनी चाहिए थी, जिस तरह से परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए थी, सड़कें बेहतरीन होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य सेवाएँ आज भी बदहाल हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं और वहाँ पर कोई कैंप नहीं लगाए गए हैं, तमाम खामियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो जिस तरह का इंतजाम होने चाहिए थे, वह पर्याप्त नहीं। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का मसूरी से तीसरी बार विजय होने और प्रदेश की सरकार ने एक बार फिर कैबिनेट मंत्री बनने पर सम्मानित किया। मसूरी के मंदिर के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महासचिव जगजीत कुकरेजा और कोसा अध्यक्ष नागेंद्र उनियाल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को सॉल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा 10 सूत्रीय मांग पत्र भी गणेश जोशी को दिया गया। उसके संरक्षक धन प्रकाश जी का, सभी व्यापारी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह मुझे मिला और मेरी जीत का अंतर इस बार फिर बढ़ा। आज उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मेरा सम्मान किया, मैं उनको भरोसा दिलाया जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। गणेश जी से तो खरा उतरेगा, कुछ एक मांग पत्र उन्होंने दिया है, मेरी पूरी कोशिश होगी। अभी हमने उसके लिए व्यापारियों की मंडी शुल्क के लिए एक मैंने कमेटी बनाई है, जिसमें वित्त के, लॉ के, मेरे विभाग के सारे कर्मचारी हैं, क्योंकि देहरादून के व्यापारी मुझसे मिले थे। शीघ्र ही उसमें कोई फैसला लिया जाएगा और बाकी कुछ एक मांग पत्र मुझे दिया गया है, मेरी कोशिश होगी कि प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं का निराकरण करें। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने जनपद नैनीताल के तहसील कोसिया कुटोली के अंतर्गत खैरना, चमड़िया, नावली होते हुए काकड़ी घाट से कुआरव तक नेशनल हाईवे मार्गों के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियों, ठेकेदार को भी समय से कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। तक जो हमारा हाईवे है, इसकी वाइडनिंग की जानी है और इसको खत्म होने की डेडलाइन इसी साल के 30 जून में थी, लेकिन लक्ष्य से हम लोग काफी पीछे चल रहे हैं। तो आज मौके पे मैं आया हूँ और NH के ऑफिसर्स भी हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी हैं, उनके नए सिरे से हमने माइलस्टोन्स तय किए हैं और SE साहब को मैंने निर्देश दिए हैं कि पर डे इसकी फॉर्मेट में डेली रिपोर्टिंग यहाँ पे होगी और जो प्लान अब तय किया गया है उस पर स्टिक करके ही हम काम करेंगे। किसी प्रकार का इसमें डिले नहीं होना चाहिए और क्वालिटी से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। SDM कुशोकटोली साहब से भी हमने कहा है कि पैरेलली वो दिखवाते रहेंगे जो काम हो रहा है वो सही प्रकार से हो रहा है या नहीं।
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री करीब 30,000 मतों से चंपावत उपचुनाव में विजय हासिल करेंगे और वो खुद प्रचार प्रसार के लिए चंपावत जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्य करने की शैली है उससे प्रदेश की जनता काफी खुश है। वहीं अन्य दलों के लोग भी आकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समर्थन दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से बड़ी बड़ी बातें करती है, 2022 में कांग्रेस सरकार बना रही थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेता बड़ी बातें करते हैं पर भारतीय जनता पार्टी काम करने पर विश्वास रखती है। मुख्यमंत्री जी 30,000 से अधिक मतों से चुनाव को जीतेंगे। मैं खुद अभी वहाँ चुनाव पर हम प्रचार में जा रहे हैं। इस प्रकार की उनकी कार्य करने की शैली है, वो भी अन्य दलों के लोग भी आकर कह रहे हैं कि क्योंकि एक मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, पुष्कर जी हम आपको वोट करेंगे। अभी मैं वहाँ पर था तो एक वहाँ के चेयरमैन वहाँ पर आए हुए थे, कई कांग्रेस के और लोग भी आ रखे थे। सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है और भारी बहुमत से पुष्कर सिंह धामी जी सीट पर। कांग्रेस ने हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, कांग्रेस तो सरकार ही बना रही थी। कांग्रेस सिर्फ बातें करती है और भारतीय जनता पार्टी काम करती है और वोट जो है काम को मिलता है। अब पुष्कर सिंह धामी के काम को वोट मिलेगा और इस सीट को भारी मत। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष करण मेहरा का प्रदेश भ्रमण कार्यक्रम के तहत पहली बार रुद्रप्रयाग पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने पर करण मेहरा का यह पहला दौरा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस को कैडर बेस्ड पार्टी बनने की दिशा में जाना पड़ेगा। अभी तक जो देखा गया वो पार्टी लीडर बेस्ड पार्टी बनी रही। संगठन चुनाव के माध्यम से पार्टी के लिए समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को स्थान दिया जाएगा और जिन भी लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है उन पर भी निश्चित रूप से पार्टी कार्यवाही करेगी। इस सशक्त और पारदर्शी संगठन के निर्माण के लिए उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मेहरा ने कहा कि जब तक कार्यकर्ताओं की परेशानी नहीं समझेंगे तब तक उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार सहित तमाम मुद्दों पर पूरा माहौल भाजपा के खिलाफ था। उसके बाद भी भाजपा चुनाव जीत जाती है तो इसमें शक होना लाजमी है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अंतरराज्यीय स्तर के शातिर चोर को धर दबोचा। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के सत्यापन के आदेश के क्रम में एसआई संजय पिलखवाल के नेतृत्व में टीम द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया, जहां बाइक चालक ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे धर दबोचा। कड़ी पूछताछ के बाद उसने चोरी की मोटरसाइकिल होना कबूल किया। गौरतलब है कि उक्त मोटरसाइकिल की चोरी के संदर्भ में पूर्व में थाना खटीमा में रिपोर्ट पंजीकृत है। पकड़े हुए अभियुक्त ने चार अन्य मोटरसाइकिल पीलीभीत, नानकमत्ता, रुद्रपुर और सितारगंज से चोरी करना कबूल किया, जिसे वो नेपाल में बेचने के लिए मकसद से लाल कोठी के पास जगबूढ़ा नदी के किनारे झाड़ियों में छिपा रहा था, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने चारों मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है। वही पकड़े हुए अभियुक्त को पुलिस हिरासत में न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें इन्होंने एक अंतर्राज्यीय स्तर पर एक ऑपरेट कर रहे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। उससे 5 बरामदगी हुई है जिनमें सभी में मुकदमे पंजीकृत थे और इससे निश्चित रूप से जो वाहन चोरी की घटनाएं हैं उसमें कमी आएगी और लोगों का विश्वास बढ़ेगा पुलिस में। तो इस टीम के लिए जिन्होंने इनसे गिरफ्तार किया है उनके लिए 1,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। पता सर ये हाँ ये शातिर किस्म का चोर था और यहाँ से गाड़ियाँ इसकी कोशिश रहती थी कि यहाँ से नेपाल ये भेज देता था क्योंकि वहाँ से थोड़ा रिकवरी करने में थोड़े इश्यूज आते हैं तो इसीलिए ये अपने पूरी तरह से ऑपरेट करता है। अभी फिलहाल तो एक ही है ये, इनके बाकी अभी एनालिसिस किया जा रहा है, विवेचना चल रही है, यदि इसमें कोई और विकास न आता है तो उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। विकास नगर के शक्ति नहर से एक छात्रा की लाश मिलने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मृतका के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने भी एक युवक पर हत्या का आरोप लगाते हुए लाश के साथ कोतवाली का घेराव कर दिया, जिनको स्थानीय जनप्रतिनिधि और कोतवाली पुलिस ने किसी तरह आश्वासन देकर शांत कराया। दरअसल कोतवाली विकास नगर अंतर्गत डाकपत्थर क्षेत्र में शक्ति नहर में एक छात्रा का शव तैरता हुआ बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त पास ही के गाँव 19 वर्षीय छात्रा के रूप में हुई, जो डाकपत्थर डिग्री कॉलेज में बीकॉम सेकंड ईयर की छात्रा बताई जा रही है। उधर स्थानीय पुलिस ने छात्रा के शव को बाहर निकाल कर उसका पोस्टमार्टम कराया तो वहीं दूसरी ओर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब पोस्टमार्टम के बाद मृतका के परिजनों के साथ दर्जनों ग्रामीण शव के साथ घर जाने के बजाय कोतवाली आधम के और उन्होंने गांव के ही एक युवक पर मृतका की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। हंगामा बढ़ता देख कोतवाली में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया, जिसके चलते ग्रामीण और परिजन कोतवाली के बाहर ही बैठ गए, जिन्हें बमुश्किल आरोपी की जल्द गिरफ्तारी किए जाने का आश्वासन देकर शांत कराया गया। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि परिजनों की तैयारी और मृतका के मोबाइल फोन से मिले मैसेज आदि के आधार पर एक युवक को हिरासत में ले गया है, जिससे पूछताछ जारी है। हालांकि इस मामले को लेकर कोतवाल विकास नगर रविंद्र शाह का कहना है कि शक्ति नहर से मिली छात्रा के शव के मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर जांच पड़ताल जारी है।
आज सुबह 10 बजे के करीब पुलिस को सूचना मिली थी शक्ति नहर में किसी लड़की की डेड बॉडी तैर रही है, तो पुलिस कर्मचारियों के द्वारा आम जनता के साथ मिलकर डेड बॉडी को निकाला गया, जिसका आइडेंटिफिकेशन किया गया तो बरौटी वाला रहने वाली बताया गया। उसके हाथ में एक कट भी लगा हुआ था। पुलिस के द्वारा उसका पंचनामा भरा गया और स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा डॉक्टर के द्वारा उसका नियम किया गया। इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमें मृतका के पिता के द्वारा एक तहरीर भी प्राप्त हुई है, जिस पर जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संबंधित तो सर देखो, मुझे भी पता रहा मामला तो ये हुआ कि सुबह बच्ची घर से चली 9:30 बजे करीब ही, इसने मुझे बोला कि पापा जी आप मुझे गीता भवन पे 1 बजे के लिए आ जाइए, छुट्टी मेरे 1:15 बजे करूँ। ठीक है पापा जी, मैं लेने आ जाऊँगा आपको। ठीक है, उसके बाद सर मुझे तो 10:30 बजे पौंडी भाई ने फोन करा कि ऐसे से लड़की कहाँ गई थी। लड़की ठाकुर कॉलेज वहाँ पढ़ती थी जी, वहाँ पढ़ती सर, बीकॉम फर्स्ट ईयर की होती है। आपको क्या कहा था लड़की ने? मैं 1 बजे सर मुझे लेने आ जाओ पापा जी, 1:15 बजे ना यहाँ पे विकास गीता भवन उतरती थी ना, ये वैसे मेरे चल जाता था। अच्छा, फिर क्या सूचना मिली आपको? सूचना मुझे पौंडी भाई ने मिली कि उनका एक्सीडेंट हो गया। जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा तो टैक्सी, तब सर मैंने इसकी हाथ की नस कटी हुई देखी तो सर इसे डुबो के मारा गया। पहले की नस कटेगी तो इसे डुबो के मारा गया। आपको क्या लगता है, सुसाइड है या मर्डर करा? मर्डर है सर, मर्डर है जी, मर्डर है, बिल्कुल मर्डर है, मर्डर है सर, बिल्कुल मर्डर। हाँ, किसी पे शक है आपको? सर शक तो उस पे जिसने फोन किया था उसका, उसे निकालो। आपको किसने फोन करा था? सर मुझे पौंडी भाई ने फोन करा। आप कह रहे हैं इस पे शक है? वो जो व्हाट्सएप पर रखा ना, सर को बताऊं इन्हें पुलिस वालों को, उसमें नंबर है वो जो प्रशासन के पास फोन किया होगा। कौन सी क्लास पढ़ती थी आपकी गुड़िया? सर बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी। आपका नाम तो क्या चाहते हैं? आप मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, पहले उसे मारेंगे उसके बाद हम फिर हम इसका दाह संस्कार करेंगे। अतिक्रमण पर काशीपुर में पुलिस और प्रशासन ने आखिर अपना चाबुक फेर ही दिया। भारी पुलिस बल के साथ प्रशासन ने नहर के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया, जिसे प्रशासन में बिना नोटिस के ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के दौरान गरीब ठेला चालकों का सारा सामान सड़कों पर फेंक दिया, जिसे व्यापारियों ने इस बात को लेकर खासी नाराजगी जताई। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा पहले किसी भी तरह का कोई नोटिस अतिक्रमण हटाने को लेकर नहीं दिया गया। वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस कर्मियों ने अतिक्रमण हटाने के दौरान जमकर गुंडागर्दी की और दुकानदारों और ठेला चालकों का सामान फेंकना शुरू कर दिया, जबकि व्यापारी गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस के जवानों ने एक भी नहीं सुनी और गरीब दुकानदारों की मेहनत की कमाई सड़कों पर फेंक कर रौनते नजर आए। भले ही पूरे मामले में व्यापार मंडल ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से वार्ता कर विरोध जताया और दुकानदारों को नोटिस देकर हटाने की बात कही, वहीं फिलहाल पुलिस का कहना है कि चेतावनी दी गई थी, बावजूद इसके अतिक्रमण हो रहा था। अतिक्रमण बढ़ रहा है और लगातार रेडी फल ठेली वाले जो मेन रोड है उस पर भी आ जा रहे हैं और उससे एक जाम की स्थिति बन जा रही है, जो यातायात बाधित हो रहा है। इससे पूर्व में भी नगर निगम और प्रशासन पुलिस के बीच एक बैठक भी हुई थी नगर निगम हॉल में, और अतिक्रमण के बारे में उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए थे कि रेडी ठेली फल ये हटाए जाएंगे, और इसमें वेंडिंग जोन की भी बात हुई थी, लेकिन अभी नगर निगम वेंडिंग जोन चिन्हित कर नहीं पाया है, उसमें वो कार्रवाई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अभी जो है बहुत ज़्यादा ही अतिक्रमण हो गया था, तो इन लोगों को थोड़ा हटाया गया है मेन रोड से, और बाकी ये अपने मूवमेंट पे अगर कोई ठेली रहती तो वो ठीक है, लेकिन मेन रोड पे स्टेबल नहीं रहेंगे एक ही जगह में, और इस तरह से एक के अगर एक आता है तो उसमें कई ठेलियाँ एक साथ आ जाती हैं, जिससे पूरी सड़क ही चौक हो जाती है। स्थान हुए हैं जो चोरी छुपका ये जो काम करा गया है, तोड़ फोड़ करी गई है, ये इसका हर्जाना कौन भरेगा, और हमें ये जगह कहाँ देंगे और कहाँ नहीं देंगे, ये इसका होना क्या चाहिए, इसका कोई संविधान है, हमारा गरीबों का कोई सुनने वाला है या नहीं है। हम चाहते हैं नगर निगम हमारे साथ रहे, हमारे साथ आवाज़ उठाए, हमारे साथ हम काम करें, हम गरीबों की समस्याएं को सुने। नोटिस के हमारे ठेले तोड़े गए हैं, हमारा बहुत नुकसान करा गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया प्रशासन द्वारा। हम लोग रोज़गार कहाँ करेंगे, कहाँ से अपने बच्चे पालेंगे, क्या करेंगे बताइए प्रशासन, इस चीज़ का हमें जवाब दे या हमारे ठेले लगवाए वहाँ पे। जो भी रात प्रशासन द्वारा तोड़फोड़ की गई है, पहले ना तो उन्होंने हमें कोई नोटिफिकेशन दिया है, ना हमें कोई उन्होंने बताया है कि आप यहाँ से ठेले हटा लो। बिना नोटिफिकेशन के कल रात 4 बजे उन्होंने हमारे कुछ भाइयों के ठेले मतलब तोड़वा दिए हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है, और हमारी यही मांग है कि अगर इन्होंने अतिक्रमण करना है तो एक मतलब एक तरफ सबका करें, ठेले वालों के साथ ऐसा दुरुस्त व्यवहार क्यों कर रहे हैं, फड़ वाले वहीं पे लगा रहे हैं, उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, मतलब कि अगर पिछले 2 सालों से हम अभी उभर नहीं पाए हैं कोरोना के कारण, तो अब जब हमारी कुछ हालत सही हुई है तो अब प्रशासन द्वारा हमें परेशान कर रहा है।
अल्मोड़ा जिले के विकासखंड मुख्यालय भिकासैन में क्षेत्र पंचायत की बैठक स्थगित किए जाने से आक्रोशित प्रधान संगठन भिकासैन ब्लॉक कार्यालय में अनिश्चितकालीन के लिए तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांग को लेकर डीएम अल्मोड़ा वंदना सिंह को ज्ञापन भी दिया। इस दौरान धरना स्थल पर प्रधान संगठन अध्यक्ष भिकासैन प्रेम सिंह रावत ने कहा कि 2.5 वर्ष बाद पहली बार 6 मई को बीटीसी बैठक की तिथि जिले से निर्धारित की गई थी, लेकिन ब्लॉक प्रमुख ने कारणों का हवाला देते हुए इसे स्थगित कर दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। बैठक नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। क्षेत्र बिजली पानी सड़क जैसी समस्या जिसकी तस बनी हुई है। जनप्रतिनिधि के पास इन समस्याओं को उठाने का एक ही सदन है, उसमें भी सालों से कोई बैठक नहीं हुई है। जो स्थगित बीटीसी जो हमारे ब्लॉक प्रमुख मैडम की गलत एक निर्णय के कारण हुई थी, उस तहत हमने 28 तारीख को ज्ञापन सौंपा था जिलाधिकारी महोदया को कि हम यहाँ पर यह हमारी बीटीसी ससमय नहीं होती है तो हम ज्ञापन देंगे, क्योंकि 2.5 सालों से विकास कार्य अवरुद्ध चल रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। यह त्रस्त हो चुकी है जनता भी, या तो प्रधान गाली खा रहे हैं या फिर क्या कहते हैं हम अपने कर्मचारियों को गाली दे रहे हैं। यह हालत हो गई है ना, वो उनके पास अधिकार है ना हमारे पास कुछ अधिकार है। हम तो हाथ जैसे हाथ कटा एक अधिकारी होता है, नेता होता है, वैसी स्थिति हो गई हमारी, क्योंकि 2.5 साल से बीटीसी नहीं हो रही है। हम किससे बोलें, किससे बात करें, क्योंकि कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, वो हमें प्रधान समझने को तैयार नहीं है। सबसे बीटी बनना है तो ये विकास ब्लॉक की यही है, कैसे विकास कार्य होंगे। एक हमारे पास एक मंच था कि हम बीटीसी कराते हैं, 6 तारीख को हम लोग सारी तैयारी करके बैठे थे, सारे 99-95 प्रधान कि हम सोचेंगे वहाँ कुछ करेंगे, तो वो भी एक स्थगित करा दी हमारे क्या प्रमुख मैडम ने। ये गलत विषय है ना, विकास से अवरुद्ध करा रहे हैं आप। तो हमने तय समय पर आज हमने सोचा था, हमने डीएम मैडम को ज्ञापन दिया था कि हम यह हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, सक्षम अधिकारी कोई बात हमारी वार्ता नहीं करेंगे, हमसे वार्ता नहीं करेंगे, हमसे हमारी बातों को अनदेखा करेंगे, तो हम 4 तारीख को यहाँ पर तालाबंदी का कार्यक्रम करेंगे। तो आज हमने यहाँ पर तालाबंदी कर दी है, आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पर तालाबंदी कर दी है और हमने आज ब्लॉक में ताला लगा दिया। क्यों? यहाँ ना तो हमारे पास यहाँ पर वीडियो चार्ज पे है, ना हमारे पास ए वीडियो चार्ज पे है, यहाँ कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं है। और आप देख रहे होंगे कि इस ब्लॉक की हालत एक बार आप चारों तरफ घुमा लीजिए, यहाँ कोई अधिकारी भी सक्षम नहीं है यहाँ पर कि हम जिससे बात कर सकें। ये कहीं ना कहीं उपेक्षा है प्रधानों की, जिनको जनता ने चुना है कि हमारे प्रधान हमारे गांव का विकास करेंगे, और हमारी उनकी अपेक्षाएं बहुत जुड़ी हुई हैं। जो खंड विकास अधिकारी महोदय है उनका स्वास्थ्य खराब है, वो अपने स्वास्थ्य उपचार के लिए गए हैं। प्रभारी खंड विकास अधिकारी जिले में बैठक में गए थे, जो कि आज शाम तक पहुँचने की उम्मीद है कि यहाँ पर पहुँचेंगे। और बाकी ज्ञापन सम्मानित प्रधान लोगों ने दिया था, उसके संबंध में उन्होंने तालाबंदी का जो यहाँ पर रखा था दिन, तालाबंदी उनके द्वारा की गई है। बाकी मैं इसके बारे में आगे क्या कह सकता हूँ, धन्यवाद। धान संगठन द्वारा पूर्व में 28 तारीख को एक पत्र माननीय जिलाधिकारी महोदय को भेजा था, 6 मई को यहाँ पर विकासखंड भिक्यासैन में बहुत लगभग 2.5 साल बाद क्षेत्र पंचायत की एक बैठक हो रही थी, जिसमें सारे प्रधानों को क्षेत्र पंचायतों को एक उम्मीद जगी थी कि हम उन अधिकारियों से, उन सक्षम अधिकारियों से जवाब मांगेंगे कि जो हमारे क्षेत्र में आज तक काम नहीं हो रहे, कहीं पर आपका पंचायत में भुगतान नहीं हो पा रहा है। उनको दुहाई दी जाती है कि आजकल PFMS हो गया, और जिनकी ट्रेनिंग आपके सेक्रेटरीज को दी है उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, मनरेगा की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उन्हें उम्मीद जगी थी कि हम क्षेत्र पंचायत की बैठक में उन सक्षम अधिकारियों के बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य के हम मुद्दे पूछेंगे, और वो अपरिहार्य कारणों द्वारा माननीय प्रमुख जी महोदय द्वारा एक DM महोदय को एक ज्ञापन देकर, एक लेटर देकर स्थगित कर दिया गया। आज की जो ये तालाबंदी की गई है, ये संविधान को बचाने के लिए की गई है, क्योंकि संविधान में किसी भी सदन की बैठक 6 महीने के अंदर आपको करानी होगी। जैसे कि कोरोना काल में आपका सालदे सल्ट चौखटिया ताड़ीखेत सब जगह बैठकें हुई हैं और यहाँ पर नहीं हुई है। ये मैं दुर्भाग्य नहीं कहूँगा, ये अज्ञानता कहूँगा, क्योंकि ऐसा सदन पहली बार आया है। मैं उस क्षेत्र पंचायत का एक सदस्य भी हूँ, और इससे पहले मैं प्रधान संगठन का अध्यक्ष भी रहा हूँ, प्रधान ना हूँ, इसलिए मैं इन प्रधानों को भी सिखाना चाहता हूँ कि आपको आपसी तालमेल से, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी आपका मुख्य विकास अधिकारी महोदय से भी वार्ता हुई है और जिला पंचायती राज से भी वार्ता हुई है, उनके द्वारा ये तो कहा गया है कि बैठक 1 माह के अंतर्गत होगी। आज की जो तालाबंदी है उसमें हमको 1 माह के अंदर वो एक डेट निश्चित होनी चाहिए। हमने DM साहब को एक ज्ञापन दिया है कि वो सक्षम अधिकारी जिले स्तर के आएँ। और यहाँ का दुर्भाग्य देखें, विकासखंड भिक्यासैन का, जिस ऑफिस में हमारे सारे प्रधान मित्र सुबह 10 बजे से बैठे हैं, 12 बजे तक वहाँ ना कोई वीडियो है, ना कोई ABDO है, ना कोई सक्षम अधिकारी है। जो भी ऑफिस स्टाफ है वो सक्षम नहीं है उन निर्णय को लेने के लिए। हमको जिले में वार्ता करनी पड़ रही है।
इसीलिए हम बीटीसी बुलाना चाहते हैं कि जब हमारा समाधान जिले के अधिकारी से होना है, जिनका क्षेत्र पंचायत की बैठक में ही प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों से इंटरेक्शन होता है। ये तालाबंदी अनिश्चित काल के लिए रहेगी, इसको समर्थन और बढ़ेगा। जब तक जिले के सक्षम अधिकारी यहाँ नहीं आते हैं, कोई डेट नहीं देते, तब तक ये तालाबंदी नहीं हटे। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।